नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। 9600 के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अभी भी खतरे की बात नहीं है जब तक 9600 या फिर 9580 के लेवल को होल्ड कर जाते हैं। आज बाजार पर दबाव है, फ्लैट बायर्स देखने को मिल रहा है। पूरा ही दिन एक रेंज में गुजार दिया, लेकिन 32 अंक साफ हो चुके हैं सेंसेक्स पे, निफ्टी बैंक 71 पॉइंट्स। ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से है। हायर लेवल से देखेंगे तो ये करेक्शन थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, तो प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसे। लेकिन इस गिरते बाजार पे जो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स एफएनओ में, वो देखिए आप। आईसीआईसी प्रूडेंशियल यहाँ पर तेजी है, आईडीएफसी बैंक इसमें 2% की तेजी, पेज इंडस्ट्रीज ऊपर है आज। साथ ही साथ कुछ अन्य स्टॉक्स जिसमें आज रामको सीमेंट की बारी है, जुबिलेंट फूड वर्क्स, टाटा एलेक्सा, और निफ्टी पे सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज स्ट्रांगली प्रदर्शन कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और टॉरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में भी आज मूव पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। तो तमाम स्टॉक्स जो एफएनओ में तेजी के लिए चुने आज ट्रेडर्स ने। गिरावट वालों की सूची में सबसे प्रोमिनेंट है जस्ट डायल, यहाँ पर गिरावट है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट भी यहाँ पर अंडरवेट की थी, 6% गिरावट, और जो टॉप मैनेजमेंट बदलाव है उसका एक ड्रैग देखने को मिल रहा है। आईएफसीआई और टाटा कम्युनिकेशन 2.5% से ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। तो गिरने वाले स्टॉक्स की सूची में जीएमआर इंफ्रा 5% नीचे, इंडो काउंट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फ्यूचर्स, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। चंदन तापड़िया साहब मेरे से मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से। चंदन, ये 9600 के लेवल पे क्या तेजी बनाने का मौका है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली अब और देखने को मिल सकती है? कौन सा एग्जैक्ट लेवल आप निफ्टी पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं अभी? जी नमस्कार रजत। देखिए, बाजार ने पिछले वीक में एक जो कंसोलिडेटिव रेंज था उसका ब्रेकडाउन दिया था। 9560 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के 9450 तक गया था, बट लास्ट फ्राइडे को एक शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली, और उस रिकवरी की वजह 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पुट राइटिंग का सपोर्ट था। तो मेरा मानना है कि बाजार अब 9560 का जो हर्डल था उसको पार करके उसके ऊपर दो दिनों से कामकाज कर रहे हैं, तो वापस उन लेवल के आसपास बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी 9600 के नीचे डिप मारता है तो 9560 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग के लिए ऑपर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है, और वहीं ऊपर में 9650 तक के लेवल वापस छूने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए? लगता है यहाँ पर तेजी का सेटअप अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत हायर लेवल्स पे मुनाफा वसूली हो चुकी है, खासतौर से जो सरकारी खेमा है वहां पर ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। जी रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। पीएसयू बैंक्स है वहाँ पे कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है, और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने रिसेंटली 23900 का हाई बनाने के बाद 23000 के आसपास के लेवल को होल्ड किया, और इंटरेस्टिंगली जो मे का हाई था मे सीरीज में वो 23000 के आसपास था, और उसके ब्रेकआउट के बाद में बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट की रैली देखी थी। तो अगेन 23000 का लेवल एक सपोर्ट को काम करेगा, और दो दिन पहले उसी लेवल से बैंक निफ्टी ने अपने आप को रिकवरी करने में कामयाब रहा। तो 23000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। ऊपर में 23500 के लेवल यहाँ पे पॉजिटिव रुख की तरफ बरकरार रहेंगे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि अभी तक मार्केट पे हुआ क्या। इनफैक्ट बाजार ऊपरी स्तरों पे थोड़ा स्लाइड हुआ, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग थी। रिलायंस ये एक ऐसा स्टॉक था जहां पर आज के सत्र में एक्यूमुलेशन है, और 2% की तेजी निफ्टी पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक साबित हुआ। अच्छी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिली। 9700 की कॉल, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्रीमियम में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था। ऐसे ही 9600 की पुट में भी हुआ, प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़े लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इन डिसीजन के मोड पे आज ट्रेडर्स थे। ऑयल एंड गैस, पावर, सीमेंट और मेटल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, और एनबीएफसी और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स जो थे यहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। सुमित बागड़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी नमस्कार सर, निफ्टी पे अपनी कॉल दें और कौन सा स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं फिनोमेना? गुड आफ्टरनून रजत जी। निफ्टी इमीडिएटली एक बार ऐसा लगता है यहाँ से ऊपर का मूव ही देना चाहिए, जब तक कोई कन्विंसिंग सेल ऑफ देखने को नहीं मिलता है तब तक एक बार बाय साइड में ही रहे। 9540 9550 स्टॉप लॉस होंगे, ऊपर में 9650 का लेवल टूटने के बाद हमें 9700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर। ओके ठीक है, तो कौन सा स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं सर? अभी इमीडिएटली रिलायंस के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ से और भी मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर प्रेजेंट लेवल से 40 से 50 रुपए की तेजी इमीडिएट टारगेट्स होंगे, और शायद वो रैली एक्सटेंड होकर 1500 के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में बाय करना चाहिए, 1390 छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1450 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 1500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। वही मैं बात कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सेटअप है अभी वो तेजी का ही है, तो ज्यादा ट्रेडर्स पॉजिटिव हैं। आपने भी बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चलेगा, 1450 का टारगेट है। रोहित सिंगरे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित जी नमस्कार, आपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है निफ्टी पे स्पेशली, और एक स्टॉक बता दीजिए एफएनओ में जो तेज होगा? हाँ जी नमस्कार, आई थिंक निफ्टी के अंदर एक 9580 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। थिंक बट मेरे ख्याल में कहना कि रेंज बाउंड मूवमेंट होनी चाहिए मार्केट के अंदर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी हम लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक एक बार कोई भी मिलता है ऊपर की तरफ राइज, तो आई थिंक एक बार सेल करके चलना चाहिए। 9620 की करीब मिलता है तो एक बार सेल करके चलिए। 9650 का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ओवरऑल टारगेट जो रहेगा 9560 के लेके। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आई थिंक टाटा कम्युनिकेशन में काफी अच्छा है, हम लोग ने आज ब्रेकडाउन देखा है,
तो आई थिंक एक बार इसमें एक शॉर्ट साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन ये आपकी शॉर्ट रिकमेंडेशन। निफ्टी पे आपका आउटलुक नेगेटिव 9550 9560 आप पहले देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन 703 पे पहुंच चुका है, फ्यूचर के हिसाब से 675 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्पॉट लेवल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। 714 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 675 तक के टारगेट्स के लिए बेचा जा सकता है टाटा कम्युनिकेशन। तो दो कॉल हो गए, एक तेजी की एक मंदी की। टाटा कम्युनिकेशन नेगेटिव, रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव। सिमी भौमिक जी से भी बात कर लेते हैं। सिमी जी नमस्कार। मैम निफ्टी पे कॉल दें, और आप ही ने बोला था बाजार यहाँ पर तेज होगा, ये तो ओवरशूट कर गया आपके टारगेट से। अब 9600 के लेवल पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट पे? रजत, अभी निफ्टी वापस एक सपोर्ट में आने का कोशिश कर रहा है। 9590 9610 निफ्टी का सपोर्ट है, और जब तक निफ्टी इस रेंज को होल्ड करेगा तब तक लॉन्ग पोजिशन मेंटेन करने का ही सलाह होगा मेरी तरफ से। मैंने जो आज बाय कॉल दिया है उसका स्टॉप लॉस मैंने 9575 का रखा है। 9575 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट होगा 9640-50 का, मतलब डे हाई जहाँ के पे निफ्टी बना के नीचे आया उसी लेवल पे वापस निफ्टी सेटल करेगा ऐसा लगता है। प्रीवियस हाईज टूटने के चांसेस हैं क्या सीरीज में? इस सीरीज में तो अभी तो बहुत दूर का बात है, मात्र 18 ट्रेडिंग सेशन है, सीरीज छोटी है। पर इंट्राडे में मैं यही सोच रही हूँ कि शायद डे हाई पे वापस जाएगा, और दो एक दिन में मार्केट एक बार 9700 का लेवल भी क्रॉस करके निकल जाएगा आगे। चलिए, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि सीरीज छोटी है, 18 ट्रेडिंग सेशन मात्र यहाँ पर काम के लिए मिलेंगे। स्टॉक कौन सा क्लोजली ट्रैक कर रही है मैम? मैंने स्टॉक आज यूनाइटेड स्पिरिट्स का चूज किया था, 2490 के आसपास अभी आ गया है। मैंने जब दिया था कॉल तब 2470 के आसपास था, ऑलरेडी 20 रुपया भाग चुका है। पर मेरा जो टारगेट था वो 2510 और 2530 का था। अच्छा। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से उस टारगेट तक तो जाएगा। 2510 2530 का रेंज बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके आगे निकलेगा, और अगर उस रेंज के ऊपर आज क्लोज करेगा तो इसमें एक मैसिव रैली देखने को मिल सकता है, 100 पॉइंट का रैली मिनिमम देखने को मिलेगा। मैंने स्टॉप लॉस काफी दूर का, मतलब जब 2470 में दिया था तब 2435 का स्टॉप लॉस दिया था। पर अभी मैं स्टॉप लॉस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ऊपर आ चुका है। 2460 के नीचे स्टॉप लगा के करंट लेवल पर मैं बाय दे रही हूँ, और मेरा टारगेट तो मिनिमम है, उसके बाद मैंने कहा है कि 100 पॉइंट का रैली और देखने को मिल सकता है। चलिए क्लोजली ट्रैक करेंगे मैम इस कॉल को। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2460 का अब स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये कॉल जब दी गई थी तब ये 20 रुपए नीचे था यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब यहाँ पर तेजी पकड़ ली और दिन के उच्चतम स्तर पे है, तो आप पहला टारगेट लगाकर चलें 2510 2530। ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं, तो 100 पॉइंट्स से भी हम एक मानते हैं कि इस स्टॉक पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आप फोकस रखें। दूसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, जिस पे नेगेटिव कॉल आई है, यहाँ पर बेचने की सलाह है, और इस स्टॉक पे जो टारगेट है वो है 675 714, ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही साथ एक और कॉल है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, सुमित बागड़िया की कॉल है, 1450 का टारगेट है, 1390 का एक स्टॉप लॉस। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ही बात हो रही है अभी, ये स्टॉक एकदम से चल पड़ा है। चंदन एक बार चार्ट स्ट्रक्चर्स देख के बताएं, और आपने रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक पे। जी हाँ, देखिए इस स्टॉक पे लगातार 3-4 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और काफ़ी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। इसका जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था वो लगभग 2300 के ऊपर था, और उस लेवल को निकलने के बाद यहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 3-4% के ऊपर इंटरेस्ट बने हैं, और इसका जो हर्डल है 2490 2500 उसको निकालने के बाद मेरे हिसाब से नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनके पास पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं। आज का लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और 2500 के ऊपर मेरे हिसाब से 2550-70 तक की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। चलिए, लेकिन मार्केट्स पे आज एक नैरो रेंज में कामकाज हो रहा है, पर आउटलुक क्या है? बड़े बड़े जानकार समझते हैं मार्केट के बारे में, हम सुबह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन साहब के मुताबिक बाजार में मौजूदा स्तर से 5-10% की करेक्शन देखने को मिल सकती है, मौजूदा स्तर पर निवेशक सतर्क रहे। अगले 1.5 महीने में यू विल सी द करेक्शन ऑफ द ईयर, एंड ग्लोबली दैट इज ऑन द कार्ड्स। देर इज टू मच ऑफ यूफोरिया, और जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो इजी मनी चेस कर रही है। रेट्स ग्लोबली आर हेडेड हायर, यहाँ पे आरबीआई इज नॉट गोइंग टू कट रेट्स, ए बी अर्निंग्स एंड डिसरप्शन ऑफ जीएसटी फुली प्राइसिंग नहीं है, और एक यूफोरिया में यू आर ट्राइंग टू कैच ऑन टू 10 लीडर्स लाइक मारुति, रिलायंस, एचयूएल, लीवर, आईटीसी। तो वैल्यूएशन आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, और हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म, तो वी आर लुकिंग फॉर लेवल्स ऑफ 9000 इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड बियॉन्ड। चलिए ठीक है, करेक्शन की बातें हो रही हैं हायर लेवल्स पे, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ा स्ट्रेच इंडियन मार्केट में नजर आ रही हैं, लेकिन अभी अर्निंग्स आनी बाकी हैं, और अगर अर्निंग्स कैचअप हो गया तो वो भी एक मार्केट के लिए एक बूस्टर डोज बन जाएगा। तो इस समय इनडिसीजन ट्रेडिंग कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा है। 9608 में निफ्टी का लेवल देखने को मिल रहा है। तेजी वाले स्टॉक्स में आज एक स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, चंदन इस पर रिकमेंडेशन दे, अब तक के उच्चतम स्तर पे।
जी देखिए, ये स्टॉक रिसेंटली एफएनओ में शामिल हुआ है, इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है और मेरे हिसाब से सेलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज या एनबीएफसी है, काउंटर है, वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ रहना चाहिए। राइट, दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये मैं थोड़ी देर पहले ट्रैक कर रहा था, कंसेक्यूटिवली चल रहा है, आप कोई दिन ऐसा मिल नहीं रहा है इस सीरीज में जहां पर कोई डिप आई हो, ट्रेडर्स ने इसको यूज ना किया हो खरीदारी करने के लिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स पे आपकी राय? जी हाँ, देखिए काफ़ी वीक करेक्टिव मूड के बाद इस स्टॉक ने अपमो देखा है, वीक ऑन वीक बेसिस दो पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8-9% का रैली इस काउंटर ने देख चुका है। इसका जो मल्टीपल हर्डल था 970, उसको पार करने के बाद लगभग 60 रुपये की रैली आई है, तो मेरे हिसाब से अब 1010-1005 का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 1065 तक जाने की अब संभावनाएं बन रही। चलिए, एक स्टॉक है नेल्को, आज इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी मेटल पैक में नहीं है, नेल्को में है, ये काफी समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक पे देखने को मिल रहा है और अब 2.5% ऊपर आ चुका है, ये एक्यूमुलेट होगा क्या स्टॉक यहाँ से? और जी देखिए, कंपैरेटिवली इस स्टॉक की बात करें हमारे रडार पे नहीं है, बट पूरे मेटल सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यदि मेटल में किसी को बाइंग इंटरेस्ट की तरफ बढ़ना है तो टाटा स्टील और वेदांता दो काउंटर रहेंगे जहां पे स्ट्रेंथ है। हालांकि टाटा स्टील काफ़ी रनअप दे चुका है, 505 से लेकर 545 तक की रैली आई है, तो थोड़ा डिप आता है तो वहाँ पर खरीदारी वापस बनेगी। वहीं आप यदि मान लो वेदांता की बात करें तो इस काउंटर में यदि 248-249 का एक मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये ब्रेकआउट दिया था और ऊपर में रैली 262-263 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। चलिए, एक स्टॉक है टाटा एलेक्सा, ये 2017 के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे स्टॉक पे क्या आप जिन्होंने पोजीशन ले ली हो उनको यहीं पर ही मुनाफा वसूली करनी चाहिए, उसको होल्ड करें और फ्रेश पोजीशंस ऐड करनी हो तो कौन सा स्तर एडवाइजेबल होगा? देखिए, टाटा एलेक्सी एक और ब्रेक लेवल के आसपास आ चुका है, वो एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। यदि मैं वीकली और मंथली चार्ट पे ट्रेंड लाइन देखूं तो एक मल्टीपल जो इसका हर्डल है 1700 के आसपास है, और मेरे हिसाब से 1700 निकलता है तो फिर 1850 से लेकर 1900 तक की भी रैली यहाँ पे बननी चाहिए। और जिस हिसाब से अब वापस आईटी काउंटर्स में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, इन्फोसिस टीसीएस, लग रहा है टाटा एलेक्सी यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो किसी के पास यदि पोजीशन है तो अग्रेसिव मूव 1700 के ऊपर आएगा, बट यदि किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे लगभग 1610-15 के स्टॉप लॉस से कैरी की जा सकती है। चलिए, एक स्टॉक है वो है ओमकार स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ओमकार स्पेशलिटी केमिकल, माफ कीजिएगा, केमिकल स्पेस से बिलोंग करती है कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल कारोबार है और पिछले कुछ दिनों से लगातार फोकस में है, वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है, नॉन डेरिवेटिव स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक लगातार पिछले कुछ सत्रों से काफी स्ट्रांगली एक्युमुलेटेड स्टॉक है। मेरे साथ इसमें मैनेजमेंट मौजूद है, प्रवीण हरलेकर जी मौजूद हैं, सीएमडी ओमकार स्पेशलिटी के। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये कारोबार विस्तार की खबर है और मार्केट्स उसको थम्स अप दे रही है पिछले कुछ दिनों से, फ्रेग्रेंस फ्लेवर एफएनबी सेगमेंट में विस्तार करने की योजना है कंपनी की, थोड़ा अपडेट दें सर इस पे। वी हैव डेवलप्ड क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। हिस्टोरिकली द कंपनी हैज बीन वर्किंग इन द फार्मा सेक्टर फॉर वेरियस एप्लीकेशन, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, सो दैट बिजनेस इज एनीवे कंटिन्यूइंग एज यूजुअल एंड इट्स क्वाइट कंसिस्टेंट। Apart from that, we have ventured into this perfumery and fragrance, similarly foods and beverages, and company is very confident on penetrating in this business with the new launches. So that will be happening very shortly, and the end products will be going in for consumer, consumer segments for fragrances and all that. सर, थोड़ा क्वांटिफाई अगर आप कर पाए तो कितना बड़ा मार्केट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? ग्लोबल मार्केट है, दैट इज व्हाटएवर प्रोडक्ट्स वी आर टारगेटिंग, ग्लोबल मार्केट इज समवेयर अराउंड 2000 crores, ऑफ विच मे बी एज अ हम्बल अटेम्प्ट वी कैन टारगेट 10% मिनिमम। तो इसके लिए अब ओके ठीक है, लेकिन ये रेवेन्यू में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपके सर ये वाला बिजनेस? As I said, 10% of total global market will contribute to about 200 crores. अच्छा, और in couple of years. Right. और कौन सी कंपनियां आप इसके लिए अब किसको cater करेंगे और किन किन कंपनियों? There are lot of domestic companies who are dealing in this. Plus there are lot of multinationals in Europe and US and okay. Rest of the world. So we are targeting. We have got approvals from most of these players and we are immediately going to launch on these products. और ये जो business setup होगा, ये जो नए विस्तार की योजना है, इसके लिए रकम का कहाँ से जुटा रही company या फिर internal accrual से यहाँ पर ये कारोबार का विस्तार कर रही है? ये इसके लिए जो capacity लगेगी वो already built up है हमारे पास। Okay. We had done some capex in the past couple of years, so facilities are available and
our facilities are fungible. You know, हम लोग product change कर सकते हैं market के हिसाब से. Right. So whatever capacity is available, we'll be able to utilize it for these products. And for capex की जरूरत नहीं रहेगी. जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे working capital की जरूरत रहेगी और वो तो शायद हो सकती है. राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पे बात करने के लिए. निचले स्तरों से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों का डेटा बता रहा हूँ आपको, एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी. ये 68-69 के जोन्स पे 78-79 के जोन्स पे ट्रेड करता था स्टॉक कुछ दिन पहले, अब 87 के लेवल्स पे आ चुका है. एक अच्छी खबर इस स्टॉक को ड्राइव कर रही है. लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें एक स्टॉक है अदानी पोर्ट. दो ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे है ये स्टॉक. इस पे क्या रिकमेंडेशन होगी चंदन आपकी? जी देखिए, इस स्टॉक ने प्राइस पैटर्न अच्छा बनाया है बट हमारी कवरेज पे नहीं, इसलिए हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे. बट डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो लगभग 12% के ओपन इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग के एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. राइट, आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? जी देखिए, यदि आप वीकली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है. हालांकि आईडीएफसी बैंक ने अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दी है, इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 54 उसको होल्ड किया है. तो यदि किसी को बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो जरूर 59.5-60 तक के लिए प्ले कर सकते हैं. बट फिर भी यदि मेरा मानना है कि बैंकिंग स्पेस में यदि किसी को जाना है तो आरबीएल, यस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक बेहतर काउंटर रहेंगे, जो आईडीएफसी बैंक से ज्यादा मुनाफा देने की गुंजाइश रखते हैं. चंदन, आप कहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को खरीदने का मौका है मार्केट में? जी देखिए, मार्केट में अब हम सेलेक्टिव वाइज स्टॉक स्पेसिफिक होकर उन काउंटर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं जहाँ पे या तो स्ट्रेंथ बनी हो और या जो मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहे हैं. तो पहला ट्रेड यहाँ पे जे एंटरटेनमेंट रहेगा. पिछले 3-4 वीक के करेक्शन के बाद ये स्टॉक अपने आप को 485-480 जोन के आसपास सपोर्ट लेने में कामयाब हो रहा है. और जैसे ये 495 निकलेगा इसका शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा और उस कंडीशन में ये स्टॉक अपने आप को 4-5% के ऊपर लेवल दिखा सकता है. तो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगी, 480 का स्टॉप लॉस लगा के 500-810 तक के लिए टारगेट के ट्रेडिंग के लिए सलाह रहेगी. दूसरा ट्रेड्स यहाँ पर रहेगा मारुति. देखिए, पूरे ऑटो पेक में यही एक काउंटर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं. मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी इस स्टॉक में कोई मेजर डिक्लाइन नहीं आई, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि काउंटर काफ़ी स्ट्रेंथ में है. और ये थोड़े से पॉइंट के ऊपर निकलते यहाँ पे न्यू हाई टेरिटरी के लिए तैयार हो जाएगा. तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 72-75 का स्टॉप लॉस लगा के 7550 तक के नए टारगेट इस स्टॉक में हासिल होने की संभावनाएं बन रही है. चलिए चंदन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए. लेकिन कुछ देर पहले ही मार्केट गुरु जिम रॉजर्स जी बिजनेस पे जुड़े थे. उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी को लेकर. उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बाजार में 40-50% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, अमेरिका में 2008 से भी ज्यादा खराब हालत हो सकते हैं, और स्पेशली इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा क्या कहा ये भी सुन लेते हैं. In America, I'm going to use America since it's less sensitive. It's been almost 9 years since we had a big correction in the American stock market. It's well overdue. Historically, we've had them every 4 to 8 years. When we have big corrections in America, they usually go down 40-50%. This one will go down 40-50%. It'll be the worst in our lifetime because the debt here is so much higher than it was even in 2008. I'm not buying anything right now, Mihir. I'm worried about what's happening in the world. The world is overdue for a correction, and maybe a big correction. So at the moment, I'm sitting and watching and waiting to see what happens. The market is very high, as you know. It's not as though these things are a surprise. That's one reason I'm worried about markets in many parts of the world. The American stock market's at an all-time high. Most of the many of the markets in Europe are at all-time highs. I don't like buying when things are making all-time highs. चलिए, तो मार्केट्स ऑलरेडी बहुत तेज हो चुकी हैं, इंडियन मार्केट्स नहीं ग्लोबल मार्केट्स, तो इस समय कहीं पर भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं. उनको लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं, एक लॉन्ग ड्यू करेक्शन जो है वो मार्केट्स पे अभावी हो सकती है, पर लिक्विडिटी अभी भी इंटैक्ट है. जब तक लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं होती तो ये जो कंसर्न्स हैं ये देखना होगा कि कब तक यहाँ पर अब इसका असर मार्केट्स पे देखने को मिलता है. लेकिन 40-50% की गिरावट अमेरिकन मार्केट्स पे संभव है, जिम रॉजर्स का ये कहना है.